हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं किचन में आई हूँ, तो यहाँ पर ये गैस साफ़ कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिससे कि 1K कम्प्लीट हो जाए और फिर मैं लाइव आना शुरू कर दूँ। तो थोड़ा सा बाकी है, तो जो भी न्यू फ्रेंड्स आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैं फटाफट से गैस को साफ़ कर रही हूँ। और गैस के साथ साथ जो चौकी है, चौकी पे मैंने गैस रख रखी है यहाँ पर, तो यहाँ थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था है, तो आप लोग माइंड मत कीजिए, माइंड करना भी क्या है। तो यहाँ चौकी भी मैं साफ़ कर देती हूँ हाथों हाथ, और ये चौकी जो है अच्छी लगती है, क्लीन हो जाती है। और देखो मैंने डिब्बे वगैरह भी साफ़ किए ना, तो कपड़ा एकदम गंदा हो गया है साफ़ करते करते चौकी को भी। अब चौकी को बिल्कुल क्लीन कर दूँ मैं, एकदम बढ़िया लगती है फिर चौकी। और नीचे जो पाए से बने हुए हैं उनको भी मैं कपड़ा मार लेती हूँ, जिससे साफ़ लगते हैं वो भी। और अंदर जो है यहाँ पे कट्टे वट्टे गिर गए थे, मतलब मैं सफाई कर रही थी ना, तो उसको भी मैं सारा अलमारी में लगा देती हूँ। किवाड़ वगैरह भी सारी पोंछ देती हूँ। यहाँ पे अंदर जो है इन्वर्टर रख रखा है मैंने, इन्वर्टर लगा हुआ है तो अलमारी है इसमें ही लगा रखा है। और जो बाहर रखने से थोड़ा ये ना बच्चों को टच वगैरह करते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने अंदर इसमें ही रख रखा है। कुछ दिन की बात है फिर इसको बंद करके किचन अलग बनवा लूँगी, और ये जो है दुकान बन जाएगी, और बराबर वाला जो रूम है उसकी भी दुकान बनाऊँगी, क्योंकि मैं सिलाई वलाई भी करती हूँ, डांस क्लास रहता है, ढोलक क्लास रहता है, तो मेरा अलग काम हो जाएगा और इनका जो है अलग काम हो जाएगा। कपड़े उपड़े का काम डालने की बोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या रहता है। यहाँ जो शटर पर धूल वगैरह आ गई है तो उसको भी मैं सब साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो डेली तो नहीं करती हूँ, बट कभी कभी कर देती हूँ, तीसरे चौथे दिन मार देती हूँ कपड़ा। और ये स्टैंड में कब बर्तन पड़े थे, मतलब लगाई नहीं थी मैंने, तो वही बर्तन लगा रही हूँ मैं स्टैंड पे। ये अनानास लेके आए थे, तो आधा तो खा लिया था हम लोगों ने, बट आधा यूँ ही रखा हुआ था, क्योंकि फ्रूट्स और भी रखे हुए थे, तो अनानास मेरे को कम पसंद है, क्योंकि मुँह अनानास खा के ना मुँह अजीब सा होने लगता है। तो मैं फ्रूट्स और भी थे, जैसे बनाना वगैरह रखे थे, मैंने बनाना खाए थे, इन लोगों ने ये अनानास खाया था, थोड़ा सा लिया था मैंने टेस्ट के लिए। अनानास मैं बहुत कम मतलब पसंद करती हूँ अनानास खाना। तो अभी तो बर्तन जो है मैं थोड़े से यहाँ लगा रही हूँ, और बहुत सारे बर्तन अभी बाहर भी पड़े हुए हैं, क्योंकि मॉर्निंग का समय है, लगभग 6:30 का टाइम था जब मैं किचन की सफाई कर रही थी, और लाइट वगैरह ऑन करके मैं फटाफट से काम कर रही थी। तो फिलहाल मैं भी मतलब सारे बर्तन जितने भी हैं उतने लगा रही हूँ, बाकी मैं सब साफ़ करके लेके आऊँगी अभी बाहर से, फिर लगा दूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे जो है ना मतलब चमचे वगैरह जो होते हैं, करछली चमचे सारे मैं लगा देती हूँ बर्तन स्टैंड में, उससे क्या है ना खोते नहीं है वो, जब भी मतलब हाथ आए और उठा लो। और स्पून वगैरह सारी लगा दी, और ये बर्तन वाला पल्ला जो बाहर ले जा रही, क्योंकि बाहर बर्तन पड़े हुए हैं वो साफ़ करके मुझे इसी में डालना है, तो एक बार में ले जा कर रख लेती हूँ। और ये इधर को रख दिया है, बच्चे लोग बाहर खड़े हैं ना, उनको बोल रही हूँ अगर खाना है तो खा लो, और बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उन्होंने बस चाय वगैरह ले ली है। और यहाँ पर मैं दोबारा कहीं गई थी तो उसको झाड़ू लेने गई थी कूचा, तो बस कूचे से जो जाले वाले हैं वो मार लूँगी, थोड़ा बहुत जाले हैं। वैसे तो सफाई करती रहती हूँ मैं तीसरे चौथे दिन, बट यहाँ पता है चूहे ज़्यादा हो गए ना, तो चूहों की वजह से थोड़ी गंदगी हो जाती है, तो करना पड़ता है यार दूसरे तीसरे दिन सफाई। और यहाँ झाड़ू में जो है मैंने कपड़ा बांध रखा है, क्योंकि इसमें ना थोड़ी लकड़ी वकड़ी चुभती है ना, मेरे हाथ घायल हो जाती है, तो उससे कपड़ा बांध लिया है मैंने। तो ये दीवार वगैरह भी सब साफ़ कर दूँगी, जिससे मतलब थोड़ा धूल वगैरह आती है ना वो सही लगता है, एकदम क्लीन क्लीन अच्छा लगता है, एकदम चमक जाता है रूम सफाई करो तो। और किचन के बराबर वाला जो है मेरा रूम है, यहीं जो आप देख रहे हैं दीवार के जस्ट इधर वाला रूम है। अब जो भी गंदगी होगी मैं सब सफाई कर लूँगी नीचे की, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है चाकू, एक्चुअली क्या था पहली वीडियो में जो है बड़े चाकू से भी काम कर रही थी,
मेरी फ्रेंड है, उन्होंने टोका था, तो यहाँ पे मुझे चाकू मिल गया छोटा वाला, तो उसे देख के मुझे तुरंत हंसी आ गई है। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ नीचे से, सब जो भी गंदगी ना चौकी के नीचे कूड़ा कूड़ा हो जाता है, चूहे वगैरह कर देते हैं, उसको सब साफ कर रही हूँ। इधर जो है ना बच्चे खड़े रहते हैं ना स्टैंड के पास में ना, तो दिक्कत होता है, बार बार मुझे देखना पड़ता कहीं स्टैंड गिरा नहीं दे, वो कुछ कर नहीं दे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑफ करके आई हूँ उसको, थोड़ा नीचे किया क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा था। तो ये देखो इतना सारा कूड़ा निकल आया है, चूहों का गंदगी संदगी सारा, और फेस कवर कर रखा है क्योंकि मुझे वैसे भी धूल मिट्टी से ना जुकाम वगैरह हो जाता है, तो फेस कवर कर रखा है मैंने यहाँ पे। और देखो एकदम कितना गंदा गंदा सा लग रहा है, और बिल्कुल रोड के किनारे मकान है हमारा, इसीलिए हम शॉप की सोच रहे हैं, बिल्कुल रोड पे, मतलब एक PIP रोड बोलते हैं इसको, जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह सारे हमारे रोड पे हैं, और कहीं जाने की ज़रूरत ना है, बस पैर रखो, मार्केट है, काफ़ी अच्छा रोड है हमारा, और यहाँ डिब्बे वगैरह रखे होते मसाले वसाला का, वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। दो चार बर्तन हैं यहाँ पे, वो बच्चों को दे रही हूँ, रख के आएंगे, वो तो सुन ही नहीं रही है बिल्कुल भी। सारा धूल मिट्टी निकाल के यहाँ किचन में पोंछा लगा दूंगी, बस पहले रूम की भी क्लीनिंग नहीं करूंगी, उसके बाद पोंछा लगा दूंगी। अभी देखो मैं सफाई कर रही हूँ यहाँ की, ये पट्टा उठाया था मैंने, इस पर यह पल्ला वाला रख देती हूँ, बर्तन वाला जो होता है उसमें क्या है ना थोड़ा चूहे हुए भी नहीं मतलब चढ़ पाते, तो गंदगी कम होती है बर्तन में। और वैसे तो मैं सही से रखती हूँ कपड़ा उपड़ा डाल के, धूल मिट्टी नहीं जाती बर्तन में। यहाँ भी मैं बाल्टी लेके आ गई हूँ पानी की, और पोंछा लगाने जा रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा पोंछा भी लगा दूँ मैं किचन में, साफ हो जाएगी एकदम किचन। जिस समय लॉकडाउन में इतनी प्रॉब्लम हो रहा है, बस पूछो नहीं, ये मेरी बाल्टी जो है ना पोंछे वाली बाल्टी, तो ये थोड़ी सी चटक भी गई है नीचे से, इसको ख़रीदना है मेरे को, न्यू बाल्टी लेके आना है। और दो तीन बाल्टी और भी हैं, वो दो कपड़ों की हैं और एक पानी वानी के लिए रहता है, लेकिन जो पोंछे वाली है वो थोड़ा सा नीचे से ख़राब हो गई है, तो दूसरा ख़रीद के लेके आना है। देखते हैं कब तक ये लॉकडाउन ऑन होता है, तब जाते हैं मार्केट। पोंछा वोंछा मैंने सब लगा दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा रह गया वो भी मैं पूरा साफ़ कर दूंगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, बाल्टी बाल्टी रख के उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। यहाँ पे वो बच्चे कुछ बोल रहे हैं ना, तो मैं सुन रही हूँ क्या कह रहे हो, बिल्कुल जस्ट बराबर में खड़े हो जाते हैं दोनों कैमरे के, बार बार मुझे देखना भी पड़ता है कि कहीं गिरा ना दे फ़ोन के लिए, बहुत शैतानी करते हैं दोनों बहुत ज़्यादा। सारे में पोंछा जो है लग चुका है, और अब बाल्टी बाल्टी रखी होंगी मैं बाहर, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।